जज लोया की मौत से जुड़े मामले में निराशा हाथ लगने के बाद विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती हैं। बता दें कि संवैधानिक नियमों के अनुरूप ना चलने पर न्यायमूर्तियों पर महाभियोग चलाया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चला हो, इससे पहले भी कई न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा चुका है। आइए जानते हैं और किन न्यायाधीशों पर पहले भी चल चुका है महाभियोग। साल 2011 में राज्यसभा सदस्यों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन को वित्तीय गड़बड़ी करने और तथ्यों की गलत बयानी करने का दोषी पाते हुए महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया था। हालांकि इससे पहले ही न्यायमूर्ति सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ एक मामले में फैसले को लेकर महाभियोग चलाने की मांग की थी। इससे पहले भूमि पर कब्जा करने, भ्रष्टाचार और न्यायिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में सिक्किम उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश पीडी दिनाकरण के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2016 में आंध्र और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नागार्जुन रेड्डी पर एक दलित न्यायाधीश को प्रांडित करने के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था, जिसके चलते राज्यसभा के 61 सदस्यों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए एक याचिका दी थी। वहीं साल 1990 में पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस वी रामास्वामी पर 1993 में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन ये दो तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रहा था। प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।